बड़े दूर से लोग आए हैं, इतनी संजीदगी से आए, कुछ नहीं लेना, मंच पे चढ़ जाना है, फोटो लेते रहना है, मंच पे बने रहना है। इस छोटी सी खुशियों ने, छोटी सी उपलब्धियों ने हमारी जनरेशन को बर्बाद करने का काम किया है। 85% की ताकत है इस आबादी की, लेकिन छोटे स्वार्थ, छोटे फोटो, छोटी तस्वीरें, अपने आप में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जाना, भले उनके पास राष्ट्र के अलावा कोई आदमी हो या नहीं हो, इन मुद्दों ने बदनाम किया है। और इसी वजह से हम जो कहते हैं कि कम संख्या में ताकत में है, वो हम पे रूल कर रहे हैं। हम बड़ी संख्या में होने के बावजूद अपने छोटे स्वार्थ, छोटे लाभ, छोटी उपलब्धियों में ही इतने मशगूल हैं कि बड़े मुद्दे भूल गए हैं। यह मुद्दा है जो हमारी अगली जनरेशन को बर्बाद करने वाला है। यह मुद्दा फोटो लेकर के, सेल्फी डालकर के फेसबुक डालने वाला नहीं है। अगर आपको फेसबुक पर डालना है तो पीएमओ के फेसबुक अकाउंट पर डालिए, नारा लगाइए, एमएचआरडी के फेसबुक पर डालिए, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के फेसबुक पर डालिए, रामविलास पासवान जी के मंत्रालय पर डालिए। जो सांसद यहाँ पे आए हैं कल के, उनको लगातार चेक कीजिए कि आज उन्होंने वादा किया है कल वो कहाँ पे खड़े हैं आपके साथ। सबको चेक करने की जिम्मेदारी है आपकी, और आप जब ये चेक करेंगे, आप छोटे स्वार्थों को छोड़ करके बड़ी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। छोटी चीजों से आप अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, लेकिन यह कदम आत्मघाती कदम होगा। मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस व्यवस्था के विरोध में हैं, तो व्यवस्था की कमजोरियों को पहचाने, अपनी कमजोरियों को भी पहचाने, अपनी ताकत को भी पहचानिए। आपकी ताकत है, आज ये सैकड़ों संगठन यहाँ पे आए हैं एक नए ज्वाइंट फोरम पर, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के नाम पे। ये एक मंच है, इसमें डूटा के लोग हैं, जनूटा के लोग हैं, आगरा से लोग आए हैं, लखनऊ से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, रोहतक से आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों से आए हैं, कई सारे संगठनों से आए हैं, भीम आर्मी से, समता सैनिक दल से, बहुत सारे संगठनों से लोग आए हैं। हम सब लोग शुक्रगुजार हैं उनका। उन सबकी ताकत को लेकर के इस सरकार की चेतना को बदलनी है, अपनी स्थितियाँ बदलनी है। छोटे स्वार्थ त्यागी है, छोटी लीडरशिप की ख्वाहिश त्यागी है, दो लोगों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा त्यागी है। राष्ट्र बिगड़ रहा है, राष्ट्र को बनाइए, पूरी ताकत के साथ बनाइए। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर आर के भारती जी आगरा से हैं, पिछले 2-3 साल से इस लगे हुए इस अभियान में, मैं उनको बुलाना चाहते हैं। आर के भारती जी सर।